मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ इस्लामिक फाउंडेशन के सरपरस्त की हैसियत से और 12 गांव के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि हुकूमत के मुताबिक जो हुकूमत ने ऐलान किया है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है इस वबा को से बचने के लिए कि आप अपने घर में रहें और महफूज रहें। प्रबंधक 12 इंटर कॉलेज मोहम्मद अर्शेर खान, लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो हमारे उलमा कराम ने नमाज के बारे में आप लोगों से अपील की है उस पर अमल करें और लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने को घरों में महदूद रखें ताकि इस बला से महफूज रहें और मुल्क को और पूरे जो है दुनिया को एक महफूज जगह बनाएं। कल गाजीपुर वालों के लिए बड़ी राहत बड़ी वाली खबर थी, जब ये कोरोना टेस्ट जो लोगों का गया था वो निगेटिव आया तो निश्चित रूप से गाजीपुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर थी कि हमारे जनपद के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। अभी भी जनपद के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्क्रीनिंग होना बाकी है। वो कोरोना का जब कहर मुंबई ने झेलना शुरू किया था उसके बाद गाजीपुर के अंदर आए और प्रशासन उनको ट्रेस करके उनके टेस्ट के लिए उनको लेबोरेटरी में उनका सैंपल भेजने का प्रयास कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि गाजीपुर के लोगों को, हम सभी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट एक भी नहीं आया तो हम निश्चिंत हो गए और सरकार के गाइडलाइन का पालन न करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने लगे। मेरी सबसे अपील है, ये मैं चाहता हूँ कि जब तक सरकार पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाए कि इस गाजीपुर क्या पूरे देश के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बचा है, तब तक हम सभी को सारे नियम कानून जो सरकार ने बनाए हैं उसको पालन करना चाहिए। लाखों लाख करोड़ रुपए जो सरकार राहत पैकेज के रूप में दे रही है वो किसी को पिकनिक मनाने के लिए नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है विश्व के ऊपर, भारत के ऊपर। हमारी मेडिकल फैसिलिटी उस लेवल की नहीं है कि हम इससे लड़ पाएंगे जिस दिन स्प्रेड हो पाएगा। इसलिए सबसे अपील है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हम अपनी दहलीज को न क्रॉस करें, अपने साथ साथ अपने देश अपने परिवार को बचाएं। जहां तक घर में रहने की बात है कि आपको घर में रहना है, तो मेरे हिसाब से तो ये मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में ऐसा सुरहना अवसर नहीं आएगा जब आप 21 दिन तक लगातार अपने परिवार अपने बच्चों के साथ रहेंगे। आप अपने परिवार को समझने का प्रयास करें। जो दूरियां बनी हुई थी सामाजिक कार्यों के चलते, हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं और हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। आज निश्चित रूप से ये अच्छा तो नहीं है कि बीमारी के चलते, इस देश में फैली बीमारी के चलते हमें ये मौका मिल रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ये सोचता हूँ कि ये सुनहरा अवसर है जो इस मानव जीवन में मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने पत्नी बच्चों और माँ बाप के साथ लगातार 21 दिन तक उनके साथ घर में बिताने का मौका मिलेगा, उनको समझने का मौका मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, उनके साथ कैरम बोर्ड और लूडो खेलने का मौका मिलेगा। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आज हम समाज के साथ साथ अपने घर में रह के ऐसे सब काम करके अपने देश को, अपनी जगह को, पूरे विश्व को कोरोना वायरस के इस खौफ से बचा सकते हैं।